हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट्रैक्टिव जीके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लूसेंट सामान्य ज्ञान के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक में हम यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल एट्रैक्टिव जीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटे को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और उसका स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और उसका मुख्यालय। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नागपट्टनम था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा थी? पुर्तगालियों के द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित किया? कालीकट में। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुखसियर। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया? थॉमस वेस्ट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण।
किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस। वह क्षेत्र जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? सूरत। किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय। बंगाल की किस फैक्ट्री को पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था? हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर? मुंबई। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को। एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। कॉर्टेस पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र। इन्क्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। पोर्टो ग्रांडे पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम कौन सा है? अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, बांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां लगाया? सूरत। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने कैसे होते थे? भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? 1950 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? वास्को डी गामा। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया था? मर्चेंट एडवेंचरर्स के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? हेक्टर। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थाई कोठी खोलने की अनुमति दी? जहांगीर। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सर थॉमस रो। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? बंबई। इंटरलोपर्स कौन थे? अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? अब्दुल्ला कुतुब शाह।
1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किला बंद कोठी बनवाई चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? 1633 ईस्वी में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? 1651 ईस्वी में। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? औरंगजेब। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया? जहांगीर। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1,50,000 रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए? औरंगजेब। अंग्रेजों को सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? शाइस्ता खां। अंग्रेजों ने सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? 1200 रुपये में। सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर के भू क्षेत्रों पर किस नगर की स्थापना हुई? कलकत्ता। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फरूख हसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? इसके द्वारा कंपनी को केवल 3,000 रुपये के वार्षिक खराज कर निशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? फरूख हसियर द्वारा जारी फरमान। कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? रॉल्फ फिच। जॉन मिल्डेन हॉल किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? अकबर। विलियम हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? जहांगीर। जॉन सरमैन किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? फरूख हसियर। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा, यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? शाइस्ता खां। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता। फोर्ट गेल्ड्रिया कहाँ स्थित है? पुलिकट। फोर्ट गुस्तावुस कहाँ स्थित है? चिंसूरा। फोर्ट लुई कहाँ स्थित है? पांडिचेरी। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ बलिकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां से पुदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? पांडिचेरी के रूप में। फ्रांसिसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? शाइस्ता खां ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गोडेह्यू। फ्रांसिसियों के पतन का कारण क्या था? अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल
संगठन। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? बांडेवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 54 ईस्वी में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? एला सापल की संधि से। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। वांडेवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकोर्ट ने। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पेरिस की संधि के तहत। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? 1954 ईस्वी को। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, पहले कौन आए थे? पहले पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रांसीसी। यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।